अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फाइव मैथ स्किल्स, क्लास फाइव का मैथ सीखेंगे। आज हमारा यूनिट नंबर फोर है, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। यूनिट नंबर फोर में एक्सरसाइज फोर डी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फोर डी यूनिट नंबर फोर डेसिमल्स एंड परसेंटेज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फोर डी। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर फोर है, राउंड ऑफ अप टू टू डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ अप टू टू डेसिमल प्लेसेस डेट इज नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें पार्ट नंबर वन है, 3.34842। तो ये स्टूडेंट इसमें हमने राउंड ऑफ करना है पार्ट पॉइंट्स को, यानी कि नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के बाद हमारे जस्ट यहाँ पे टू प्लेसेस आने चाहिए, जस्ट पॉइंट के बाद टू डिजिट्स आने चाहिए, और टू डिजिट्स के बाद जो नंबर है वो हम नहीं लिखेंगे, यानी कि जो थर्ड नंबर है उसमें से वन आगे कैरी कर देंगे। पॉइंट के बाद जस्ट हमारे पास टू नंबर्स आंसर में आने चाहिए। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, क्वेश्चन नंबर टू में थ्री में कि ये हमारे पास 3.34842 है, तो पॉइंट के बाद जस्ट टू नंबर्स आने चाहिए। तो थर्ड नंबर पे यहाँ पर एट है जो कि फाइव से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे नेक्स्ट नंबर में। तो लिखेंगे 3.3, यहाँ पर एट में से वन आगे हम नेक्स्ट कैरी कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5.35। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि हमने पॉइंट के बाद जस्ट टू डेसिमल प्लेसेस तक हमने अमाउंट लिखी है, यानी कि ये टेंथ प्लेस कहलाती है और ये हंड्रेड प्लेस, डेट इज़ नियर एट हंड्रेड प्लेस। तो ये पॉइंट के बाद जो फर्स्ट है उसको टेंथ प्लेस पढ़ते हैं और जो सेकंड है उसको हंड्रेड प्लेस कहते हैं। तो पॉइंट के बाद हमने टू डेसिमल टू डिजिट्स तक हमने आंसर लिखना है, तो हमारा आंसर आ गया 3.35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर में सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 14.32 इसमें हम 14 लिखेंगे, 14 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद हमने जस्ट टू डिजिट्स लिखने हैं, इसमें जो थर्ड डिजिट वन है ये फाइव से स्मॉल है, तो हम आगे कैरी नहीं करेंगे, इसमें जस्ट हम लिखेंगे 14.32 आंसर, 14.32। नंबर थर्ड 412.0732 सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास 412.0732, इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 412। पॉइंट पॉइंट के बाद जस्ट टू डिजिट्स लिखेंगे, तो टू डिजिट्स हैं यहाँ पे 0 और 7, 0 7। नेक्स्ट है नंबर फोर, नंबर फोर 183.2924। पॉइंट से पहले जो हमारे पास होल नंबर है इसको हम लिख लेंगे 183.2924
पॉइंट, पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है यानी कि 2 9, ये फर्स्ट टू डिजिट्स और थर्ड डिजिट जो है वो 2 है, 5 से स्मॉल है, इसलिए हम 1 कैरी नहीं करेंगे, जस्ट हम लिखेंगे 2 9। 183 पॉइंट, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट, 183.29। पार्ट नंबर 5, 131.3272। इसमें स्टूडेंट पॉइंट के बाद फर्स्ट टू डेसिमल नंबर्स हैं, 3 है, 2 है, लेकिन थर्ड नंबर पे यहाँ पे 7 है, तो ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 1 आगे कैरी करेंगे, तो ये बन जाएगा 131.33। 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3, 131.33। नंबर सिक्स है 412.02835। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं 0 है और यहाँ पर 2, जबकि जो थर्ड डिजिट है उसमें 8 है, तो हम 8 से 1 आगे कैरी करेंगे, तो यह आ जाएगा 03। 1 आगे शिफ्ट कर देंगे, हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 412.03। हमने जस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक लिखना है इसको, तो ये हमने 412.03 आंसर। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Convert the following decimals into fraction and simplify if possible. कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल, जो हमारे पास डेसिमल्स में नंबर्स हैं पॉइंट के फॉर्म में हैं, जैसे कि 2.5 लिखते हैं हम, 17.9321, 215.792, ये सारे क्या नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। इनको स्टूडेंट हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट पार्ट है 2.5, ये एक डेसिमल नंबर है 2.5, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, इसको हम एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो जिसका पॉइंट खत्म करके हम यहाँ पर लिखेंगे, ये फर्स्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं 2.5। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 लिखेंगे और नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये हमने इसके नीचे 10 लिखा। अगर स्टूडेंट इस डेसिमल पार्ट पे होल नंबर के बाद जो पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट है इसमें अगर 2 डिजिट्स होते तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखते, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 25 के डिनोमिनेटर में 10 लिखा, 25 के डिनोमिनेटर में हमने 10 लिखा। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो हम नीचे 10 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे।
तो स्टूडेंट अब इसको हम कट कर लेते हैं। अगर ये कटिंग होगी दोनों नंबर्स में सेम नंबर से हमने इनको कट करना है, या तो हम 5 का टेबल चूज़ कर सकते हैं क्योंकि 5 में 25 भी आता है और 10 भी आता है। तो हम 5 का टेबल चूज़ करते हैं, 5 2 times 10 एज इट इज ये आ जाएगा 5 5 times 25, 5 2 times 10, 5 5 times 25, ऊपर हमारे पास ये आ गया 5 और नीचे टर्म है 2, 5/2 लिखेंगे, 5/2। इसको हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास एलसीएम फॉर्म है, डिवाइड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, है देंगे डिवाइड फॉर्म, 5/2, 5/2 है, 5 जो हमारे पास नोमिनेटर में है वो हम आंसर बॉक्स के अंदर लिखेंगे, जबकि जो डिनोमिनेटर है उससे हम इसको डिवाइड करें। तो स्टूडेंट 2 है, अंदर 5 है, ग्रेटर टर्म है, हम 2 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5 आए या इससे स्मॉल टर्म आए, तो हमें पता है कि 2 × 2 इज़ इक्वल 4 है, जबकि 2 × 2 = 2 × 3 इज़ इक्वल 6 आ जाएगा, तो 6 ग्रेटर हो जाएगा, हम यहाँ पर करेंगे 2 2 times 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 स्मॉल है इस 2 से, 1 क्या है स्मॉल इस 2 से। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे फॉर्म चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, हमने पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना है इसको, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चेंट है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से 2, ये हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा नोमिनेटर में ऊपर, और ये जिससे हमने इसको डिवाइड किया है वो हम यहाँ पे नीचे 2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आंसर 2 1/2। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1/2 आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सेकंड है 0.24 है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं ताकि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बन जाए। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए फर्स्ट हम इसको लिखेंगे 0.24 इज़ इक्वल, हम यहाँ पे पॉइंट से पहले स्टूडेंट एक ज़ीरो है, यानी कि कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं, यहाँ पे ये ज़ीरो है, तो पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम नंबर लिखेंगे 24। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 है और 4 है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमने नीचे 10 से डिवाइड किया, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम इसको कट करेंगे एक ही टेबल से, अगर ये हमारे पास कटिंग होगी 2 का टेबल चूज़ करते हैं, टेबल नंबर 2, तो यहाँ पे 10 है, 2 5 times 10 और ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 50, यानी कि 2 5 times 10 0 एज इट इज़। इसी तरह ऊपर 2 1 times 2 है और 2 2 times 4, तो ऊपर हमें डिनोमिनेटर में मिल गया 12, न्यूमिनेटर में मिल गया 12 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 50। नेक्स्ट स्टूडेंट ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 12 भी इवन है, 50 भी इवन है, तो इसको हम 2 के टेबल से अगेन कट कर सकते हैं। याद है स्टूडेंट कि आपने ऊपर वाली टर्म्स को भी और नीचे वाली टर्म को भी सेम टेबल से कट करना है, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से आपने कट करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 6 times 12, इस तरह 2 2 times 4, 1 कैरी करेंगे 10 बन जाएगा ये, और 2 5 times 10 आ जाएगा, तो ये हमें यहाँ पे टर्म मिल जाएगी, ऊपर 6 है और नीचे 25 है, 6/25 आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई, ऊपर 6 आ गया और नीचे 25, अब ना तो 2 के टेबल में तो 6 आता है लेकिन 25 नहीं आता, इसी तरह 5 के टेबल में हमारे पास यहाँ पे 5 के टेबल में 5 25 आता है लेकिन 6 नहीं आएगा, तो ये हमारे पास कटिंग नहीं होगी, और हम इसको डिवाइड भी नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर स्मॉल टर्म है, नीचे
डिनोमिनेटर में ग्रेटर टर्म है 25 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दोबारा ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें डेसिमल फॉर्म नहीं चाहिए, ऑलरेडी क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म है, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, 6/25 इज आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 5 में, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है 1.5 है यहाँ पे। इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1.5 को, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 1.5। सेकेंड स्टेप पॉइंट खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद, यहाँ पे वन डिजिट है तो नीचे हमारे पास 10 लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अगर स्टूडेंट पॉइंट के बाद दो डिजिट्स होते तो हम यहाँ पे 100 लिखते। अब हम दोनों नंबर्स को सेम टेबल से कट करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 10 है, 5 का टेबल चूज़ करेंगे, 5 टू टाइम 10 5 3 टाइम 15 आ जाएगा, 5 2 टाइम 10 5 3 टाइम 15। तो ये लिखा जाएगा ऊपर नॉमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2। अब स्टूडेंट ये एक टेबल से कट नहीं होगी, 2 के टेबल में ना 3 आएगा ना 3 के टेबल में 2 आएगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर ग्रेटर टर्म है और नीचे स्मॉल टर्म है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों नंबर्स को। तो जो नोमिनेटर में टर्म है वो हम डिवाइड बॉक्स में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 3 है या इससे कम अमाउंट आए तो 2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे रिमेनिंग 1, इसको हम लिख लेते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। क्वोशेंट है, क्वोशेंट हमारे पास 1 आया है, रिमाइंडर भी हमारे पास 1 है, जबकि जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारे पास 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, 1.5 डेसिमल फॉर्म थी जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में अमाउंट है 12.4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, इसका पॉइंट खत्म करते हैं, यह आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद वन टर्म है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, 124/10। अब हम इसको कटिंग करते हैं दोनों नंबर्स की, सेम टेबल से 2 का टेबल चूज़ करते हैं, ये 124 और नीचे है 10, तो कटिंग करते हैं तो आ जाएगा 2 5 टाइम 10 इस तरह यहाँ पे 12 है, 2 6 टाइम 24 और जब इसको हम कट करेंगे तो 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। तो ये आ गया ऊपर हमारे पास 62 लिखा जाएगा और नीचे 5 लिखा जाएगा, 2 5 टाइम 10 2 6 टाइम 12 2 2 टाइम 4 62/5। अब स्टूडेंट नीचे 5 है, 5 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, 5 के टेबल में 62 नहीं आएगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, ये हमने 62 बॉक्स के अंदर लिखा और बाहर 5 से इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 डिजिट है तो हमने अंदर भी फर्स्ट वाला डिजिट ही टेक करना है, फर्स्ट वाले डिजिट पे यहाँ पे 6 है तो यह आ जाएगा 5 1 टाइम 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे रिमेनिंग 1, अब 1 स्मॉल है हम नेक्स्ट नंबर 2 को भी नीचे उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 12। 5 2 टाइम 5 2 टाइम्स 10 है, 5 3 टाइम 15, 3 से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे 2 से करेंगे, 5 2 टाइम 10, 2 में से 0 माइनस रिमेनिंग 2, 1 में से 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास नीचे आ गया 2। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यह आ जाएगा 12 क्वेश्चन है, ये हम 12 लिखेंगे,
रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर हमने 2 लिखा, डिवाइज़र क्या है जिसे हमने डिवाइड किया वो 5, तो 12 2 ओवर 5 इज़ आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है 27.5। पॉइंट खत्म करते हैं इसका। 27.5 इक्वल ये आ जाएगा 27.5/275 ओवर। पॉइंट के बाद वन टर्म है, पॉइंट के बाद वन डिजिट है, ओनली 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट ऊपर 275 है, इसको हम 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 टू टाइम्स 10। यहाँ पर 27 को 5 5 5 25 टू कैरी करेंगे, 25 बन जाएगा और 5 5 टाइम 25। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया 55 ओवर 2। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर ग्रेटर टर्म है जबकि नीचे स्मॉल टर्म है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट 55 ओवर 2। 2 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे वन डिजिट है, अंदर भी हम फर्स्ट डिजिट ही टेक करेंगे, तो फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5। तो स्टूडेंट हम इसको करते हैं कि 2 2 टाइम्स 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे रिमेनिंग 1, इस तरह ये 5 भी हम नीचे लेके आएंगे 15। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15 आए तो हमें मालूम है कि 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 आता है, तो हम जस्ट 7 से इसको सॉल्व करते हैं, 2 7 × 14। 5 में से 4 माइनस 1, तो 1 स्मॉल हो गया, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगर स्टूडेंट हमने 1 को यहाँ पे फाइंड किया, हल किया, सॉल्व किया, तो हमें ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा और नीचे इसको ग्रेटर टर्म बनानी पड़ेगी, जिससे ये बन जाएगा 10। तो स्टूडेंट फिर दोबारा से पॉइंट आ जाएगा, तो हमें पॉइंट वाली फॉर्म नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 रिमाइंडर 1 ओवर डिवाइडर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 25.5। स्टूडेंट आप अपनी बुक पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 25.5, पेज नंबर मैंने आपको बताया 52 पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 52। उसके क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 6 है 25.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं 25.5 इज इक्वल, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, यह आ जाएगा 255 ओवर 10। पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे 5 के टेबल से, यह आ जाएगा 5 2 टाइम 10, इस तरह 5 5 टाइम 25, आगे 5 है 5 1 टाइम 5, तो यह आ गया 51 ओवर 2। को हम डिवाइड करते हैं, 51 ओवर 2 को हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करें तो 2 2 टाइम 4, 5 में से 4 माइनस 1, ये 1 भी हम नीचे शिफ्ट करेंगे 11, तो 2 5 टाइम आ जाएगा 10। 10 11 - 10 = 1, 1 रिमेनिंग बच गया। जब हमारे पास इस डिवाइज़र से यहाँ पे रिमाइंडर में कम नंबर आएगा तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 1/2 आंसर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने से हमारा ये एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट था जिसमें हमने इसको सॉल्व किया। इसका सबसे पहले पॉइंट ख़त्म किया, फिर हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसमें कटिंग की, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग पार्ट्स, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम इसको टिक करेंगे कि हमारा राइट आंसर इसमें क्या आएगा। तो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट नंबर 1 है, 1/4 इज इक्वल, ये फ्रैक्शन फॉर्म है 1/4। इसको जब हम आंसर इसका हमने पॉइंट में शो करना है कि इसका पॉइंट के अंदर आंसर क्या मिलेगा। 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म है, इसका हमारे पास पॉइंट में आंसर क्या आएगा। तो 1/4 को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1/4 को। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/4, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 1 अंदर लिखेंगे, 4 हम बाहर, तो 1 स्मॉल है 4 से, पॉइंट पुट करके हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 4 टू टाइम्स 8, 10 में से 8 माइनस रिमेनिंग 2, हमने पॉइंट पुट किया है, यहाँ पे 2 स्मॉल है 4 से, 0 पुट करेंगे तो 4 5 टाइम आ जाएगा 20। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर आया 0.25। अब हम ये देखते हैं कि हमारा 0.25 कहाँ पर है। तो ये स्टूडेंट डी ऑप्शन में 0.25 राइट आंसर, इसको हमने सर्कल कर लिया, 0.25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हमारा पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, व्हेन वी राउंड ऑफ 3.4721 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आने चाहिए, कितने डिजिट्स आने चाहिए, 2 डिजिट्स आने चाहिए। 3.4721 ये नंबर हमारे पास पॉइंट से पहले वाला नंबर होल नंबर है, पॉइंट के बाद वाला नंबर डेसिमल पार्ट है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डिजिट्स तक, तो वही गेट हम क्या हासिल करेंगे यहाँ पे, 3.47। स्टूडेंट देखिए कि थर्ड नंबर 2 है, थर्ड जो नंबर है, थर्ड डिजिट वो 2 है, वो 5 से स्मॉल है, 5 से स्मॉल होने की वजह से इसको हम कैरी नहीं कर सकते, 1 नंबर आगे शिफ्ट राउंड ऑफ नहीं कर सकते, हम इसको 5 से स्मॉल है राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो जस्ट हमारा आंसर आ जाएगा 3.47, 2 स्मॉल है। अगर यहाँ पर 5 होता तो हम एक नंबर राउंड ऑफ कर लेते, 5 होता तो हम एक नंबर राउंड ऑफ कर लेते, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.47, जो कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर 3.47। तो नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें थर्ड पार्ट है, द डेसिमल ऑफ 1/20 इज, द डेसिमल ऑफ 1/20 इज, 1/20 एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो आइए स्टूडेंट, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म को, 1/20, 1/20 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम डेसिमल लिख देते हैं, ये 1 ऊपर यहाँ पर, और डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट बाय 2 डिजिट्स हैं, अंदर 1 है, हम यहाँ पे पॉइंट पुट करके एक 0 ऐड करेंगे, अभी भी 10 स्मॉल है 20 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक 0 और ऊपर भी पुट करेंगे और नीचे भी, तो ये बन जाएगा 100। अब ये 20 से ग्रेटर हो गया, तो हम 20 को मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा 50 टाइम 0, 52 टाइम 10, तो ये आ जाएगा 125 टाइम 100 मिलेगा।
तो माइनस करेंगे 100 में से 100, जीरो रिमेनिंग, तो हमारा जो आंसर आया है वो है 0.05। तो हम यहाँ पे देखते हैं 0.05 हमारे पास कहाँ पे है। तो ये स्टूडेंट 0.05 ये डी ऑप्शन है, 1/20 फ्रैक्शन फॉर्म थी, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आंसर आया 0.05। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। When we round off 3.825 nearest to whole number we get, कि स्टूडेंट हमने whole number just लिखना है, होल नंबर पॉइंट से पहले वाले नंबर को कहते हैं, कि होल नंबर क्या है इसने पॉइंट से पहले वाला नंबर, पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है, नंबर्स जो हैं वो डेसिमल पार्ट कहलाता है, उसको डेसिमल पार्ट पढ़ते हैं। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर होल नंबर है, हमने इसको कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ भी करना है इसको। तो स्टूडेंट पॉइंट के बाद देखिए कि 8 है, पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिजिट 1 है, तो 8 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम इसमें आगे वाले नंबर में एक कैरी कर देंगे, यानी कि 8 के पहले कौन सा नंबर है 3 है, इसमें एक नंबर कैरी कर देंगे, तो 3 कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 4। लास्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय कन्वर्टिंग 0.2 इंटू फ्रैक्शन वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0.2 जो है वो एक डेसिमल फॉर्म है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म। तो आइए स्टूडेंट इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 0.2 को। हमारे पास क्वेश्चन है 0.2 को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.2 है, पॉइंट से पहले 0 है, यानी कि कोई दूसरा नंबर नहीं, तो हम जस्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम नीचे 10 लिखते हैं। पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हो तो हम 10 लिखते हैं, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हों तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, अब हम इसको कट कर सकते हैं 2 1 times 2 2 5 times 10। तो आपको स्टूडेंट मालूम होना चाहिए कि हमने नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर वाले नंबर दोनों नंबर्स को सेम टेबल के साथ कट करना है, सेम नंबर से कट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने जस्ट टेबल नंबर 2 यूज़ किया, दोनों नंबर्स के लिए कौन सा टेबल यूज़ किया है, 2 का टेबल, 2 1 times 2 2 5 times 10। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे ऊपर 5, ऊपर 1 है और नीचे 5 है, यानी कि 1/5। तो 1/5 हमारे पास कहाँ पे है स्टूडेंट, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट है 2, बी पार्ट है 1/5। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आया है हमारा, बी पार्ट को हम सर्कल कर लेंगे, आप टिक भी लगा सकते हैं, तो ये 1/5 हमारा करेक्ट आंसर। तो ये स्टूडेंट हमने टिक द करेक्ट आंसर किए, एक दफ़ा इसको रिपीट कर देते हैं, इसको 1/1 था 1/4, इसका जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका हमारे पास जो आंसर आया 0.25। पॉइंट नंबर 2 व्हेन वी राउंड ऑफ, इसको हमने राउंड ऑफ किया, हमारे पास आंसर आया 3.47। पॉइंट नंबर 3 द डेसिमल ऑफ 1/20, इसका हमारे पास आंसर आया 0.05, इसको हमने सॉल्व किया है बकायदा। 4 व्हेन वी राउंड ऑफ, इसको हम राउंड ऑफ करें 3.825 को, तो इसका आंसर 4। बाय कन्वर्टिंग 0.2 इंटू फ्रैक्शन वी गेट, जब हम 0.2 को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आता है 1/5। तो ये थे स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 4B, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, टिक द करेक्ट आंसर, हमने सर्कल्स किए करेक्ट आंसर्स को। तो एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 4D में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको सॉल्व किया है। स्टूडेंट आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको होमवर्क वाली कॉपीज में लिखिएगा, इनको बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस हो या आपको अच्छी तरह से आए। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4D लास्ट क्वेश्चन हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।